नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। लटेरी क्षेत्र में वन माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तिलोली पीठ के जंगल में अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है। एक कर्मी और चौकीदारों पर एक माफियाओं ने हमला कर दिया है, जिसमें एक कर्मी प्रदीप शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा रेफर किया गया है। वहीं वन विभाग की तरफ से करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ लटेरी थाने में FIR दर्ज कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने पहुंचे वन रक्षक एवं चौकीदारों के ऊपर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों में महिलाएं भी शामिल है। घटना में वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए विदिशा में भर्ती किया गया है। वहीं घटना में चौकीदारों को भी चोटें आई हैं। पकड़ लगा ली यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरे पेड़ इसमें पूरे पेड़ हरे दिख रहा है इसमें ये पूरे पेड़ हरे दिख रहा है इसमें और ये कह रहा है कि 20 साल की पकड़ लग रही है अभी पूरा। तुमने आग कैसे जला ली? दूर रहो। वीडियो तो बना रहा है। वीडियो तो बनाएंगे। पत्थर लग गया ना मैं। तू समझ लेना। क्यों वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? तेरी वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? देख रहे हो, ये चौकीदार है मेरे सामने, ये चौकीदार पूरे खड़े हुए हैं यहीं पे और ये देखो पत्थर लेके, इसके हाथ में पत्थर दिख रहा है मुझे, ये पत्थर से मारने आ रही है। ये बाबूलाल अमीरा के घर से ये हैं। पत्थर रख दे, पत्थर बहुत गंदा हो जाएगा, जेल चले जाओगे तुम, जेल चले जाओगे अगर नाकेदार में लग गई तो। ये देखो चेंट रही है, ये देखो मुझसे चेंट रही है। क्यों रहे नाके? कहाँ पे हुई है लड़ाई? पुरानी गेट में। कितने लोगों ने मारा है? चार पांच आदमी थे और दो तीन तीन महिलाएं थी। क्या करने गए थे आप वहाँ पे? मैं मेरे PUR की मटेरियल इकट्ठा करने गया था और वहाँ पे कोई फोन लगा रहे हैं बार बार, चेंसिंग करके हैं। उनमें मुझसे बार बार कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया, तो मैंने कहा एक बार देख के आए, उसे वो सब करने गया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रदीप शर्मा। लटेरी से खबर समय जगत के लिए वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।